नेशनल ऑटोमोबाइल्स हरिगंज एवं मोगट थाने के सामने के संचालक हाजी इस्माइल की ओर से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अकाकू के सभी दर्शकों को ईद बहुत बहुत मुबारक। आपको बता दें, ईद को लेकर खंडवा अपर कलेक्टर KR बड़ोले ने बताया कि 11 अप्रैल को ईद का पर्व मनाया जाएगा। पर्व को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका नगर निगम खंडवा को निर्देश दिए गए हैं कि ईद को लेकर सुबह 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक पानी को लेकर किसी भी तरह की वार्डों में दिक्कत ना आए। इसके अलावा कहारवाड़ी, मदीना मस्जिद, छिपा कॉलोनी एवं अन्य स्थानों पर आवश्यकता अनुसार टैंकर से पानी की व्यवस्था भी की जाए। साथ ही साथ वाटर वर्क्स पर एक जिम्मेदार अधिकारी को अपॉइंट किया जाए, जिसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। ईद को लेकर झूले आदि सड़क पर नहीं लगाकर ईद उल फितर स्थान से दूर लगाए जाएं। ईद उल फितर के दिन इस स्थल पर लगने वाले हाट बाजार को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। अपर कलेक्टर श्री बड़ोले ने कहा कि ईदगाह एवं प्रमुख मस्जिदों के आसपास विशेष साफ सफाई की माकूल व्यवस्था की जाए। शहर में लावारिस घूमते हुए आवारा पशुओं को तत्काल हटाने की व्यवस्था की जाए। ईदगाह स्थल पर परंपरा अनुसार शामियाना, कनात एवं बैठक की व्यवस्था की जाए। ईदगाह स्थल का समतलीकरण किया जाए ताकि नमाजियों को किसी प्रकार की तकलीफ उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि बुधवारा बाजार का कचरा घर तथा मटन मार्केट में साफ सफाई कर दवाई आदि का छिड़काव किया जाए। इमलीपुरा से सीधा ईदगाह स्थान तक गड्ढे हों तो पेंचिंग की व्यवस्था की जाए ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। अपर कलेक्टर श्री बड़ोले ने संभागीय यंत्री मध्य प्रदेश विद्युत मंडल शहरी खंडवा को निर्देश दिए हैं कि खंडवा शहर में ईद को देखते हुए ध्यान रखा जाए और चांद नहीं दिखने की स्थिति में अगले दिन पर्व मनाया जाएगा। पर्व को ध्यान में रखते हुए विगत वर्षों के अनुसार बिजली व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि ईद उल फितर के दिन बिजली आपूर्ति निरंतर बनी रहे, किसी भी तरह की किसी भी वार्ड में दिक्कत ना आए, लगातार लाइट देनी है। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। पूरी व्यवस्थाओं को लेकर खंडवा शहर काजी जनाब निसार अली साहब ने प्रशासन को धन्यवाद अर्पित किया है। नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं।